नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, डिएडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, काउंसिलर हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ अकोला में। केड़कर हॉस्पिटल नाम का हॉस्पिटल है, अकोला ये महाराष्ट्र में, इंडिया में है। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जिसका नाम है इनसोम्निया, मतलब नींद आना। ये जो इनसोम्निया का जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही कॉमन है। ऐसा स्टैटिस्टिकली पाया गया है कि 40 के उम्र के बाद ये ऑलमोस्ट 20-30% लोगों को इससे प्रभाव होता है। इंसोम्निया मतलब नींद ना आना। इसके अलग अलग प्रकार है, जैसे कुछ लोगों को नींद आती ही नहीं है, कुछ लोगों को नींद आती है लेकिन जल्दी खुल जाती है, या कुछ लोगों को ब्रेक ब्रेक में नींद आती है। प्रॉब्लम ये है, अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि ये इंसोम्निया बीमारी है ये लोगों को पता ही नहीं है। सालों से हमने देखा होगा कि हमारे ऐसे रिलेटिव्स है, मम्मी पापा भाई बहन हस्बैंड वाइफ, जो सालों से ये बीमारी सहन कर रहे हैं लेकिन डॉक्टर के पास जाते नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये ध्यान में आता है कि आपके रिलेटिव्स को अगर ये बीमारी है तो जरूर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए और ये बीमारी का ट्रीटमेंट कराइए। ऑलमोस्ट रोज मैं 5-10% ऐसे बीमारी जिनको हुई है इंसोम्निया या नींद ना आने की जो बीमारी है, ऐसे पेशेंट को मैं देखता हूँ और उनको ट्रीटमेंट देता हूँ। इंसोम्निया की वजह क्या क्या है? इंसोम्निया की बहुत सारी वजह है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वजह है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन के कारण नींद नहीं आती है, नंबर एक। नंबर दो, बहुत लोगों को प्राइमरी इंसोम्निया होता है। प्राइमरी इंसोम्निया मतलब पहले से ही जब वो यंग रहते हैं तभी से पेशेंट को नींद आती नहीं है, तो उसमें हमको जो प्राइमरी कॉज है वो कुछ मिलता नहीं है, बस पेशेंट को नींद नहीं आती है। जब हम पूछते हैं पेशेंट को कि आपको क्या प्रॉब्लम है तो वो बोलते हैं कि मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, खाली नींद नहीं आ रही। नंबर तीन जो है वो सब्सटेंस अब्यूज। बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग करते हैं और उस वजह से पेशेंट को नींद आती नहीं। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है स्ट्रेस। अलग अलग प्रकार का स्ट्रेस होने के कारण पेशेंट को नींद आती नहीं, उनको इंसोम्निया होता है। जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है परफॉर्मेंस एंजाइटी। माने अगर मेरी कल एग्जाम है, मुझे परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है तो मुझे नींद नहीं आएगी। मेरी अगल कल शादी होने वाली है तो परफॉर्मेंस एंजाइटी, तो नींद नहीं आएगी। अगर मेरे कल मैच है, टूर्नामेंट है, क्रिकेट मैच है, तो मुझे नींद नहीं आ सकती है। ऐसा अलग अलग प्रकार की परफॉर्मेंस एंजाइटी अगर होती है तो वो व्यक्ति को नींद आती नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि जितना हम नींद के पीछे भागेंगे उतना नींद दूर दूर जाती है। इसलिए ये हमने एक्सेप्ट करना जरूरी है कि ये नींद की जो इंसोम्निया की जो बीमारी है ये एक्चुअल में बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है और स्लीप हाइजीन के तरीके है जिससे पेशेंट को नींद आ सकती है और पेशेंट का जो पूरा प्रॉब्लम है वो क्लियर हो सकता है। ये वीडियो में मैं आपको दवाई के बारे में बताऊंगा जो हम इंसोम्निया में यूज कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की दवाइयां हैं, जैसे बेंजोडाइजिपिन्स जो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है इंसोम्निया की। अलग अलग प्रकार के बेंजोडाइजिपिन्स है जैसे लोराजेपाम, डाइजेपाम। अगर हम उसे मॉडरेट मात्रा में यूज करते हैं तो पेशेंट को अच्छी नींद आती है। जो सेकेंड इंसोम्निया का ट्रीटमेंट है वो एंटी डिप्रेसेंट्स। बहुत सारे लोग जिनको इंसोम्निया होता है तो ऐसा पाया गया है कि उनको साइमल्टेनियसली डिप्रेशन भी होता है। तो यदि अगर पेशेंट को इंसोम्निया है अगर हमने वो पेशेंट को एंटी डिप्रेशंस मतलब डिप्रेशन के ऊपर काम करने वाली दवाई अगर हमने दी तो पेशेंट का जो इंसोम्निया है, नींद ना आने का जो प्रॉब्लम है, वो पूरी तरह अच्छा हो सकता है। ऐसे अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ आजकल उपलब्ध है जिससे पेशेंट की जो नींद की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह अच्छी हो सकती है। अगला जो वीडियो है जो इंसोम्निया के बारे में मैं बताने वाला हूँ उसमें मैं अलग अलग प्रकार की जो बिहेवियरल थेरेपी है वो बताऊंगा और स्लीप हाइजीन मतलब ऐसी कौन सी हाइजीन है जो हम मेंटेन कर सकते हैं जिससे हमें अच्छी से नींद आ सकती है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आगे का वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।